अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बना रही हूँ ब्लैक हेड्स की। ब्लैक हेड्स रिमूव कैसे करते हैं, कौन सा मेथड मैं यूज़ करती हूँ और कौन सा नहीं करती, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं क्या करती थी। लेकिन एक नई चीज़ जो है ना, मैं खुद भी ये कर रही हूँ, तो देखते हैं कि क्या नाम है, ये सही होती है या नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ तो इसका सही वाला ऑनेस्ट आप लोगों को रिव्यू दूंगी कि ये सही है या नहीं है। तो ये ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, ब्लैक हेड्स हम लोग जब ये निकालते हैं, पॉलर वगैरह जाते हैं, तो एक लोहे का भी जो ट्यूज़र सा होता है उससे वो निकालती है। तो मेरे नोज़ पे तो ना, जब मैं करवा के आती हूँ तो बिल्कुल ना रेड रेड कलर के ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं। तो ना, और जब अगले दिन जब होता है तो उसके ऊपर बाकायदा निशान पड़े होते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लैक हेड्स मेरे नोज़ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ना, जब वो करती हैं तो बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने ना ज़ख्म किया है। तो मैं ये ब्लैक हेड्स की वजह से तो बहुत परेशान थी, लेकिन जो है ना, एक मुझे अब ये पता चला है तो मैंने बोला चलो क्यों ना साथ साथ करती हूँ और साथ साथ आप लोगों से शेयर करती हूँ कि बताती हूँ कि ये है सही है या नहीं सही। और मेरे तरीके से अगर किसी और के भी इस तरीके से ब्लैक हेड्स हैं तो वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, तो इस वाली वीडियो में आज आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये सही है या नहीं है। और अगर आपने कहीं से और से भी देखा है तो आप ये अप्लाई करें या ना करें। मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी आपको कि ये ब्लैक हेड्स निकलते हैं या नहीं निकलते, क्योंकि मेरी नोज़ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं। तो इससे साफ पता चल जाएगा कि हैं या नहीं है, क्योंकि मेरे ब्लैक हेड्स यहाँ यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इस जगह पर ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को ब्लैक हेड्स निकालने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ईजी चीज़ें हैं, हर किसी के घर में होंगी, पेट्रोलियम जेली। हमें सबसे पहले पेट्रोलियम जेली चाहिए। पेट्रोलियम जेली हम लोगों ने पूरी अच्छे से भर के हमने इसको निकालना है। चम्मच से भी निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकाल सकते हैं, मैं हाथ पे दे रही हूँ। हमने पेट्रोलियम जेली को अच्छी सी तकरीबन एक छोटी जो चम्मच होती है भर के, वो हमने पूरी अपने नोज़ पे लगा देनी है। जहाँ जहाँ आप लोगों के ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से ज़्यादा क्वान्टिटी में, देखें कितना ज़्यादा मैंने लगा दिए, ज़्यादा क्वान्टिटी में आप लोगों ने इसको लगा देना है। ठीक है, पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए होगा, बच्चों के बहुत ज़्यादा गिफ्ट टाइम पर आते हैं जो बिस्किट वगैरह चीज़ें इस तरीके से आती हैं जो बच्चों के लंच के लिए लेके आते हैं, उसके ऊपर जो एक पतला सा शॉपर चढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल हमें पतला वाला शॉपर चाहिए। तो या वो वाला ले लें, या तो जैसे नॉर्मली शॉपर आते हैं उसको इस तरीके से सीजर से कट करके इसका आप लोगों ने इस तरीके से ऐसे कर लेना है। ठीक है, ऐसे कर लेना, और ऐसे करने के बाद इसके ऊपर लगाना है और को इस तरीके से पूरे नोज के ऊपर यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ये ऐसे यहाँ से चिपका लेना, थोड़ा छोटा भी आप लोग ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप लोग छोटा भी ले सकते हैं। ठीक है, जितना नोज पे आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली लगाई है उतना आप लोगों ने ले लेना। इसको अच्छे से प्रेस कर देना, आप लोगों ने चिपका देना, ये चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हमें क्या चाहिए होगा, टावल। मेरा तो बहुत गर्म हो चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप लोगों ने टावल लेना है, टावल लेके इसको गर्म कर लेना, अच्छा खासा ये गर्म है। और गर्म करने के बाद आप लोगों ने, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, गर्म करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर लगाना है ताकि इसके जो ओपन पोर्स हैं वो ओपन हो। 5 मिनट आप लोगों ने रखना है, मुझे 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको, मैं उतार दूंगी। 5 मिनट रखा आप लोगों ने रखना है, देखें कितना ज़्यादा ये पसीना मुझे आ गया है और अच्छा खासा इसको हीट मिली है। अभी मैंने उतार दिया, इसको उतारने के बाद आप लोगों को क्या चाहिए, कॉटन बड। मेरी लिपस्टिक भी ख़राब हो चुकी है। चल, अब जितने भी आप लोगों को ये नज़र आ रही है इसके ऊपर हम लोग, हमें कॉटन बड चाहिए होगा। कॉटन बड आप लोगों ने तकरीबन 2 ले लें। उसके बाद आपने यहाँ से इसको आराम आराम से ऊपर की साइड पे थोड़ा सा प्रेशर देना है। आपको पता है ब्लैक हेड्स जब हम निकालते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, फिर ही हमारे ब्लैक हेड्स निकलते हैं। अब हम लोगों ने इसको स्टीम दी है और ओपन पोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं, इसके अंदर पेट्रोलियम वाली जो है वो अंदर जा चुकी है, तो अच्छे से आसानी से निकल आएंगे। अब मैं निकाल के ज़रा देखती हूँ निकला है या नहीं निकले। अभी फ़िलहाल तो ये पेट्रोलियम जाली आ रही है, लेकिन ओपन पोर्स ओपन हो चुके हैं, इसको हम आसानी से निकालेंगे। आपको पता है ये थोड़े हीट तरह के होते हैं, इसे निकलने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन कॉटन बड करने से, कॉटन बड के साथ करने से मसला ये हो जाएगा कि आपके नोज़ के ऊपर निशान नहीं पड़ेंगे। अच्छा
अच्छा खासी पसीना आ गया है, हीट अच्छी खासी मिली है। तकरीबन आप लोगों ने गर्म टावल जो है ना 5 मिनट रखना है, 5 मिनट रखना है, फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे नहीं होगा, ये देखें नज़र आ रहा है, इतनी गन तो निकल रहा है। इससे ये होगा कॉटन बर्ड से कि आगे जो रूही लगी हुई है ना, ये देखिए कितना गंद निकल रहा है। मतलब ये सही है, इससे हो सकता है। अब दूसरी साइड भी गंदी हो गई है, अब मैं दूसरी वाली साइड यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों के यहाँ चीक्स पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं वो भी निकल जाएंगे, यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे अगर हैं तो वो भी निकल जाएंगे। पसीना अच्छा खासा आ गया, मैं एक दफ़ा पहले टिशू से अपना फेस को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। नोज़ मेरी रेड हो चुकी है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ निकल रहा है। ये देखिए कैमरे में पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन निकल रहे हैं। फेस पे अच्छे से पसीना आ चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा टैप टैप करके जो ऑयली ऑयली सी अगर पेट्रोलियम जली रह गई है तो उसको हम क्लीन कर लेंगे। फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था, सिर्फ मैंने आईब्रोज बनाई थी अपनी और लिपस्टिक लगाई थी बस, और कुछ भी नहीं लगाया था मैंने। ठीक है, अच्छे से मैंने इसको साफ़ करने के बाद मैंने दोबारा से निकालने की कोशिश करती हूँ, अगर कुछ निकल जाता है तो। इसको थोड़ा सा आगे से पकड़ के इसको प्रेशर देंगे, नहीं गंदा गंदा सा हो रहा है, इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकल तो रहा है। मेरी नोज़ जो है रेड हो गई है, इसको यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा जोर से प्रेशर के साथ करती हूँ। साइडों में भी अच्छे से करना है हमने। ठीक है, अच्छी खासी मेरी नोज़ जो है वो रेड हो चुकी है। इसमें से जो कील वगैरह जो गंद वगैरह है वो तो मुझे लग रहा है थोड़ा, कील इतने ज़्यादा नहीं निकले ऑनेस्टली, लेकिन जो इसके अंदर जो गंद ओपन उसके अंदर जो गंद वगैरह था वो अच्छी। एक मेरी कॉटन बर्ड अच्छे से गंदी हो चुकी है, अब दूसरी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ही के साथ आप लोगों ने नहीं करना, दूसरा भी यूज़ कर लेनी है। अच्छे से दूसरी को भी ऊपर की साइड पर लेके जाना, नीचे आप लोगों ने नहीं करना, ऊपर की तरफ। जब आपने ब्लैकेट निकाले तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, एक हाथ से आप पकड़। एक मेरी कॉटन बर्ड अच्छे से गंदी हो चुकी है, अब दूसरी वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। एक ही के साथ आप लोगों ने नहीं करना, दूसरा भी यूज़ कर लेनी है। अच्छे से दूसरी को भी ऊपर की साइड पर लेके जाना है, नीचे आप लोगों ने नहीं करना, ऊपर की तरफ। जब आपने ब्लैक हेड्स निकाले हैं तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, एक हाथ से आप पकड़। अच्छे से आप लोगों ने निकाल लेना है, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतनी आप लोगों ने करनी है, निकालना है। ठीक है, सही है। निकालने के बाद उसके बाद आप लोगों ने बर्फ़ लेनी है। बर्फ़ करके आप लोगों ने अपने जो ओपन पोर्स ओपन हुए हैं इनको हम लोगों ने क्लोज़ भी करना है, ताकि इसके अंदर हमारी डस्ट वगैरह ना चले जाए, क्योंकि हमने अभी स्टीम ली है तो हमारे ओपन पोर्स ओपन हो गए होंगे। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पे इसको बर्फ़ लगा लेनी है, ताकि आपके ओपन पोर्स जो है वो अंदर चले जाएँ। बहुत ठंडी हो रही है। अच्छे से आपने ज़्यादातर नोज़ के ऊपर जहाँ पे जहाँ आपने स्टीम दी है, इस वाले एरिया में स्टीम गई है, तो आपने यहाँ यहाँ सारी जो है ना इसको अच्छे से मल लेना है बर्फ़ लगा के, क्योंकि हमने ओपन अपने पोर्स को ओपन किया था, इनको हमने क्लोज भी करना है, हमें ऐसे नहीं छोड़ देना इनको। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना, इसके अंदर डस्ट वगैरह चला जाती है तो इसमें कील निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बर्फ़ के साथ अच्छे से हमने कर लिया है, करने के बाद टिशू से हम साफ़ कर लेंगे, टिशू से कर लें, वाइप से कर लें, जैसे आप लोगों ने करना है आपने कर लेना है। करने के बाद हमने इसकी केयर भी करनी है। उसके बाद मैं ये लोशन यूज़ करती हूँ, ये लोशन मैं लगाऊंगी। इतना सा मैंने लोशन लिया है, लोशन लेने के बाद पूरे फेस पे आप लोगों ने लोशन लगा लेना है, जैसे मैंने लगाया है। लोशन लगाने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, खुद ही ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर एलोवेरा जेल लगा लेना, वो आपके ऊपर ऑप्शनल है। मैं एलोवेरा जेल बहुत यूज़ करती हूँ, इस वजह से एलोवेरा जेल भी आप लोग लगा सकते हैं, मैं ये लगा रही हूँ। नहीं तो आप रोज़ वाटर जो आपके पास होता है, रोज़ वाटर का भी आप लोग फेस पे आइस बंद करके आप लोगों ने स्प्रे करना है, आइस के अंदर ना जाए। आप लोगों ने रोज़ वाटर का स्प्रे भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोगों ने रोज़ वाटर का कर लेना। जब रोज़ वाटर आपका पूरा साफ नहीं करना है, इसको खुद ही ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आप लोगों का दिल करे तो एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, नहीं दिल कर रहा नहीं लगाए नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है मैं जो मैं लगाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसके बाद इसके एलोवेरा जेल सॉरी क्या है ये रोज़ वाटर का स्प्रे करने के बाद मैं एलोवेरा जेल लगाऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऑनेस्टली मेरे ये जो है कील तो निकले ही हैं, क्योंकि ये मैंने डस्ट ही देखें कितनी गंदी गंदी सी हो गई हैं। आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों के भी अगर निकलते हैं तो मैं जो हूँ ना पार्लर जब जाती हूँ तो मेरे जो नोज़ पे ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं।
अब ये है कि मुझे रिलैक्स हो रही है, मेरी नोज में जो है वो चमक रही है, मुझे जहां तक लग रहा है। जितना आपने रोज वाटर लगाया है उसको हाथ के साथ ब्लेंड कर दें, जहां जहां है। आप लोगों को लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, देखें। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद मुझे लग रहा है ज़्यादा ब्लैक हेड्स नहीं निकले, लेकिन ये है कि नोज़ साफ़ ज़रूर हुई है। स्टीम हुई दी है इसको, तो नोज़ साफ़ ज़रूर हुई है। अब आप लोग भी ट्राई करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर कर जाइएगा। और फिर जब तक के लिए मैं भी शिजाज़ को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। मैं भी शिजाज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।